कैंट के ब्यबाल इलाके में पड़ोसियों के बीच हो रहे झगड़े ने एक 65 वर्षीय व्यक्ति की जान ले ली। व्यक्ति की पहचान हरलाभ सिंह के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ब्यबाल स्थित मंडी में भागवत कथा चल रही थी। इस दौरान कुछ लोग पटाखे जला रहे थे और पटाखों की आवाज से परेशान होकर 65 वर्षीय बुजुर्ग ने उन्हें पटाखे जलाने से मना किया, तो देखते ही देखते यह बात बहस में बदल गई और फिर हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने हरलाभ सिंह को धक्का मारा और वह गिर गए। जब उन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये वहाँ पे दिलीपगढ़ में ही भागवत कथा चल रही थी, तो उसके सामने इनका घर है, तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने पटाखे चलाए होंगे, तो उन्होंने मना किया कि पटाखे मत चलाओ, तो मना करने के बावजूद दोबारा फिर बच्चों ने पटाखे चलाए। उसके बाद इनका जो आपस में मतलब फिर हाथापाई हुई है इनके आपस में, तो उसके अंदर ही बुजुर्गों को जो भी हुआ तो उनको वहाँ से लेके यहाँ सिविल हॉस्पिटल पहुँचे, इन्होंने जवाब दे दिया कि इनमें कुछ नहीं है। तो अब कहाँ है? अब यहीं अंदर मोर्चरी में रखवाया हूँ। कितने लोग हैं जिन्होंने मारा? देखो जी, वहाँ भागवत चल रही थी जी, वहाँ तो काफ़ी बंदे थे। उत्तर भागवत कथा चल रही थी साढ़े घर के सामने 1 to 7 तक, तो मैं बैंक अपनी ड्यूटी तो आया, तो आके मैं पटाखे बजा रहे थे बाहर, बच्चे साढ़े डरते ने, मैं अंदर गया तो अंदर छोटी गुड़िया 2 महीने की और रो रही थी, मतलब साह चढ़ा रही थी, तो मम्मी ने भेजा भी तुम इन्होंने कह दो भी एक बार आवाज़ घट कर लो, भी पटाखे ना बजाओ, भी उन्होंने आवाज़ करके बच्चे रो रहे हैं। तो उन्होंने मना करन तो बावजूद जिदा मम्मी बस अंदर आए ने कह के, तो पिछों फिर पटाखे बजाने शुरू करते उन्होंने, तो उस तो बाद मैं मेरे फादर साहब दोनों से उन्होंने जो कह गए मैं गया, फिर पिछले भी फादर साहब आ गए भी कह के आने भी ना पटाखे बजाओ, तो बस असं गए हाँ। तो अगों राम दर्द का मुंडा बड़ा ना विक्रम तो उन्हें अपना कहू साढ़े ना औखा हो लग गया भी तुम इदा कि सूँ कह सकते हो बंद करा रहे हो तुम ये वो, तो बस असी बस इन्नी गल कही, तो उन्हें आके मतलब जो अं आमने सामने से उन्हें की करा पगन हथ पा के पग उतारती, तो पग उतरने तो बाद उन्हें मेरे केस पढ़ ले, केस पढ़ के उन्हें काफ़ी देर केस छड़े नहीं, मैं बड़ी कोशिश करी भी केस छड़ावा, उ बहुत बंदे से 80-90-100 लेडीज होनी बिच बंदे थोड़े से, तो इन्होंने दोनों का पता ही और किसी का पता नहीं कि नहीं है ना, तो फादर साहब भी छड़ा इन्हें केसों, तो उन्होंने हथोपाई कर लगे, तो उन्होंने थले सीट मतलब थले सीटता उन्होंने, तो दोबारा उठे नहीं, फिर अभी इतने जेंट्स का तो पता है जी, बाकी ना वहाँ लेडीज ज्यादा थी उसमें। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे SHO नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मंडी में भागवत कथा चल रही है। इस दौरान बहस के बाद हुई आतापाई में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है। मिली थी कि पूर्व मंडी में भागवत कथा के दौरान कुछ ऐसी घटना घटी है जिसमें हरलाल सिंह नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसकी जाँच के लिए यहाँ मौका में आई है। डेड बॉडी जो मॉर्चरी में है, डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद जो भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट होंगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ, क्या था मामला, क्या? क्योंकि भागवत कथा की जो भी प्रारंभिक तौर पे पता चला है, अभी इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक छानबीन पे पता चला है वहाँ कोई भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था धार्मिक, उस धार्मिक कथा में कोई बातचीत हुई है उसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु। गौरतलब है कि भागवत कथा के दौरान हुए मामूली झगड़े में एक 65 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। वही मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले में जांच कार्रवाई शुरू कर दी गई। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मामले में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बालिक की रिपोर्ट।